नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, जाने लक्षण और उपचार के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पा तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक पुरानी मानसिक बीमारी है जो मूड, ऊर्जा, गतिविधि स्तर और दिन प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता में असामान्य बदलाव का कारण बनता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के तीन बुनियादी प्रकार हैं, उनमें सभी में मनोदशा, ऊर्जा और गतिविधि स्तरों में स्पष्ट परिवर्तन शामिल होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के तीन प्रकार, एक बाइपोलर एक डिसऑर्डर, दो बाइपोलर दो डिसऑर्डर, तीन साइक्लिथेमिक डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण। बाइपोलर डिसऑर्डर के विशिष्ट लक्षण अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान किया जाता है। फिर भी कुछ लक्षण बाइपोलर डिसऑर्डर वाले ज्यादातर लोगों में आम हैं। एक चिंता और चिड़चिड़ापन, दो ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, तीन उन्माद और एक ही समय में अवसाद, चार कार्यों को पूरा करने में असमर्थ, पाँच हर तरह की गतिविधियों में उदासीनता, छह जब अच्छी चीजें होती हैं तो बेहतर महसूस नहीं होता, सात सामाजिक बातचीत के दौरान असामान्य व्यवहार, आठ मूड में तेजी से बदलाव, नौ शराब या नशीली दवाओं का उपयोग करना, दस नींद न आना। बाइपोलर डिसऑर्डर एक आजीवन स्थिति है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों का आमतौर पर दवा और मनोचिकित्सा के संयोजन के साथ इलाज किया जाता है। फिर भी वैकल्पिक चिकित्सा जैसे ध्यान, योग, इलेक्ट्रोकोन्वल्सी थेरेपी ECT और ट्रांसक्रैनियल चुंबकीय उत्तेजना TMS कुछ लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ रहना एक चुनौती है, लेकिन उचित उपचार के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वाले अधिकांश लोग स्वस्थ सुखी जीवन जीते हैं और संतोषजनक संबंध बना सकते हैं। अगर आपके मित्र परिवार का कोई सदस्य बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उनकी स्थिति के बारे में समझना महत्वपूर्ण है। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है? कई उपचार उपलब्ध हैं जो आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रबंधन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इसमें दवा, परामर्श और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हैं। यहाँ आपको हम कुछ मनोवैज्ञानिक थेरेपी के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहारवादी थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक प्रकार की चर्चा चिकित्सा है। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रबंधन करने के तरीके के बारे में आप और एक परामर्शदाता बात करते हैं। परामर्शदाता आपको अपनी सोच के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। वे सकारात्मक रणनीतियों के साथ आने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। मनोचिकित्सा की शिक्षा। मनोचिकित्सा की शिक्षा एक तरह का परामर्श है जो आपको और आपके प्रियजनों को विकार समझने में सहायता करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अधिक जानने से आप खुद को और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। पारस्परिक और सामाजिक लय चिकित्सा। पारस्परिक और सामाजिक लय चिकित्सा दैनिक आदतों को विनियमित करने पर केंद्रित है, जैसे सोना, खाना और कसरत। इन रोज मूलभूत बुनियादी बातों को संतुलित करने से आप बाइपोलर डिसऑर्डर कर सकते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन। बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रबंधन करने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि एक खाने और नींद के लिए एक नियमित समय रखना, दो अपने मिजाज को पहचानना सीखें, तीन उपचार योजनाओं के समर्थन करने के लिए किसी मित्र या रिश्तेदार की सहायता लें, चार किसी डॉक्टर या लाइसेंस वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।